सदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हम्द व सना। अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा। जब ना था ओ, ये जमीन जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहां, जब ना था कुछ यहां था, मगर तू ही तेरी शान या वहदहू,
सुस्त हुई आरज़ू। गुण गाती है पत्ता पत्ता यही कहता है कि महमूद है। FM 98.2 24/7 ZU FM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2
अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो घुनो, बहुत हुआ घुनापन, बता दीजिए, सुनते हैं रोजाना चोरी चोरी चुपके चुपके। तो पार्टिसिपेट करने के लिए तरीकेकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है। आपने क्या करना है, आपने बस इतना सा करना है कि आपने जाना है फेसबुक पर, जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.2 एंड साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो आपको दो पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial। तो मेरा अकाउंट वहां पर भी आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। सो अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, आपने हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, मीन्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, तो आपने अपनी जिंदगियों में किया क्या है? अगर चाहते हैं कोई अच्छा काम कर लें, अच्छा काम कर लें, तो आपने क्या करना है, इतना सा करना है बस। आपको कौन सा बिल आना है, आपने जल्दी से जाकर ना यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, चैनल सर्च करना है सैयदा फरहाना अली, ठीक है ना? सो चलें जी, बहुत सारी बातें करेंगे आज भी, आपके सितारों का जो है वो हाल भी बताएंगे, आपको क्या चल रहा है और आपका हाल क्या होने वाला है ये भी बता देंगे, और साथ ही साथ खबरें भी हैं, ऑफकोर्स खबरें बहुत सारी हैं। चलें जी, देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना? सो फिलहाल एक कलाम की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आज के टॉपिक्स क्या हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है? सो फिलहाल जो हम प्ले करने जा रहे हैं कलाम, वो जो है वो है ये वाला। तो यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ कलाम टू प्ले ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक, सो बस यही होता है यही होता है। सो चैलेंज जी, हम आपको सुनवाएंगे, ये भी नहीं है, ठीक है, चैलेंज जी ये वाला सुन लेते हैं, ठीक है ना? वापस आते हैं, इसके बाद करते हैं आपसे मजीद बातें, ठीक है ना? आपने कहीं नहीं जाना, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपका अपना नुकसान है कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? सो वापस आएंगे इसके बाद। सो कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक, स्टे ट्यून यूनिवर्सिटी एफएम 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। चलें कुछ बचपन की बातें करते हैं, कुछ बचपन की यादों को याद करते हैं, राइट?
सो जो हम कहते हैं ना कि बचपन का जो दौर होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा हसीन होता है वो दौर, कि आप सारी जिंदगी अगर उसको याद भी करते रहें तो हमेशा आप मुस्कुराते हैं, हमेशा आप खुश होते हैं, यानी कि बचपन जो है वो वाहिद एक ऐसा एरा होता है जिसको याद करके आप खुश होते हैं। अक्सर फेजेस इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको याद करके वो परेशान होता है, दुखी हो जाता है, लेकिन बचपन सिर्फ बचपन एक ऐसा फेज़ है कि जिसको याद करके इंसान हमेशा खुश होता है, और जो मेमोरीज़ हैं, जो शरारतें हैं वो जब याद आती हैं तो इंसान हमेशा जो है वो एक मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर, हम खुश हो जाते हैं ना जब भी याद करते हैं अपने बचपन की बातें। बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत ही जो है वो कहते हैं ना कि गोल्डन मेमोरीज़ होती हैं बचपन की। सो बचपन हो और शरारत ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो आपने अपने बचपन में कौन कौन सी शरारतें की हैं ये बतानी है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा शरारत की है वो भी बताना है। आज ना बचपन की शरारतें शेयर करेंगे, ठीक हो गया। पहले तो ये बताएंगे कि बचपन की शरारतें क्या थी, आपकी शरारतें, या बहुत ज्यादा जो कोई एक शरारत आप बहुत ज्यादा हर किसी के साथ किया करते थे वो शरारत शेयर करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे आप। चले एक लाइन कंप्लीट करने के लिए देते हैं आपको। सो लाइन आपने कंप्लीट करनी है बड़ा सोच समझ के, जो 50 बार बात कर चुके हैं उसी बात को इस लाइन में नहीं फिक्स करना है, ठीक है। सो ये भी तो होता है ना, ओ माय गॉड। सो आपने बताना है, तारीख गवाह है के, तारीख गवाह है के, क्या भाई, चलें बता दें, आज आपने ना दिल की बातें कहनी, तारीख गवाह है के, वॉट, तारीख गवाह है कि आपने एक बार किसी से मुंह मोड़ा तो पलट के ना देखा, तारीख गवाह है ना, बताएं जरा, ऐसे भी अनापरस्त लोग होते हैं। सो चैलेंज जी टॉपिक्स आपको बताती हैं, बिल्कुल जी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑन फेसबुक कमेंट्स करेंगे, जल्दी से जाके मेरे पेज पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, वहां से भी कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करूंगी आज मैं जरूर, कल शामिल नहीं कर पाई थी तो आज बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि वहां से भी कमेंट्स को शामिल कर लिया जाए, बट रिपीटेड कमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो कमेंट्स मैं यहाँ पर पढ़ चुकी हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ लूँगी लाइव स्ट्रीमिंग पर, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट कमेंट्स होने चाहिए, सेम कमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो फिर वहाँ से कमेंट्स को मैं शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ नाम लूँगी, ठीक हो गया। सो ज़रा ध्यान रखना है, कहते हैं कभी कभी रिपीटेड चीज़ें भी जो है इंसान को इरीटेट करती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं वो, कभी कभी इंसान का अंधा एतमाद भी उसको जो है ना वो इरिटेट कर देता है, परेशान कर देता है, या कहते हैं कि वो ठोकर लगा देता है। तो अंधा एतमाद किसी पर भी कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता कि आगे कुएं है या खाई है, राइट। सो चैलेंज की खबरें देख लेते हैं क्या चल रहा है, कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सो कोरोना कोरोना सबसे पहले जो है ना जो इतना बड़ा बड़ा लिखा नजर आता ना वो है कोरोना, कोरोना कोरोना कहे रोना। सो जी एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि कोरोना के बावजूद जो है पाकिस्तानी मईशत जो है वो बेहतर हो गई है, और उसकी शरह में जो है वो शरह नमो में 2% जो है वो यू नो बेहतरी हुई है, और तवक्को भी है कि मजीद वो इस इतने ही जो है वो बेहतर रहे। साथ साथ ओके अच्छा जी ठीक है भाई, कोरोना का जो वार है वो बढ़ता ही जा रहा है, और पंजाब में इसकी सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा मुस्बत केसेस वहाँ पर पाए जा रहे हैं। सो भाई बहुत एहतियात करने वाली ज़रूरत है, मैं रोज़ाना यही कह रही हूँ कि देखिए बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, और साथ ही साथ भाई देखें स्टेट बैंक ने जो है ना वो ईद पर नए नोटों का इजरा करने का फैसला किया, भाई अब नए नोट नहीं आएंगे ईद पर। अक्सर आप जब बैंक से पैसे निकलवाते हैं ना ईद पे तो वो कड़क कड़क नोट आते हैं ना वो कड़क कड़क नोट नहीं आएंगे ईद पे, सही है, स्टेट बैंक ने मना कर दिया, भाई हम क्यों आपको भाई नए नोट दें, उसमें भी कोरोना लगा देंगे आप लोग, इसलिए पुराने नोटों से काम चलाएं फिलहाल, ठीक है ना।
सो 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की तादीलात का ऐलान भी कर दिया हुकूमत ने, और साथ साथ और क्या, हाँ एक अच्छा जी, ये जो इनामी बॉन्ड्स होते हैं ना, प्राइज बॉन्ड्स जिन्हें कहा जाता है, अब उनको भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया, और वो हैं 7,500 वाले और 15,000 रुपये वाले। कभी किसी का इनामी बॉन्ड खुले क्या? कोई है भाई किसी का जो है वो प्राइज बॉन्ड निकला हो, कोई बहुत ही बड़ी रकम निकली हो? कौन है भाई, सामने आओ। मुझे तो बेकार ही लगते हैं ये, कोई इसका कोई फायदा है क्या? सो ओके, साथ साथ अच्छा जी भारत में भाई कोरोना बेकाबू है अभी भी, और बहुत ही बुरे हालात हैं, और साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोग अभी भी इस बात का ख्याल नहीं करेंगे, अगर आप नहीं देख रहे हैं कि भाई और मुल्कों में क्या हाल हो रहा है, पहले इटली का जो हाल इतना बुरा था, फिर भी हमारे पाकिस्तान में किसी को अकल नहीं आई, लेकिन अब तो पड़ोस में इतना बुरा हाल है, पड़ोसी हैं हमारे, सो पड़ोसी मुल्क में जब इतना बुरा हाल है, सो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बिलावज अपने घर से बाहर ना निकले भाई। कितनी बार बताऊँ आप लोगों को, इतनी बार समझाने के बावजूद भी देखें रोड पर इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, ना तो किसी ने मास्क पहना ना कुछ, मतलब अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है ना, किसी और की भी परवाह नहीं है। चले अपनी नहीं परवाह, आपको किसी और की तो परवाह करने, लेकिन हम लोग इतने बेहस हैं ना, इतने कोई बेहस हैं हम, मतलब इंसानियत तो जैसे खो गई है आजकल मुझे लगता है। खैर तलख बातें हो जाएंगी ज़्यादा। बात करेंगे एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, खबरें आपको बता दी हैं, साथ साथ और जैसे जैसे मुझे खबरें नजर आएंगी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ ओके, आज है 17 रमदान, यानी कि 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। सो आज के दिन क्या है भाई, आज जो है वो ग़ज़वा बदर का दिन है, जिसमें मुसलमानों को जो है वो फतह हासिल हुई थी, और साथ साथ वफात का दिन है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का, और जो कि काशिफ बिन मलिक ने भी इसी तरह कुछ मैसेज जो है वो शेयर किया। चलें यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, तो जो खलीफा अव्वल हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, उनकी साहबजादी थी, और ग़ज़वा बदर में जो मुसलमान कुफार के मुकाबले में फतायाब हुए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 313 मुसलमानों का लश्कर था, सही है, और कुफार की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और 313 मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, फ़तेह याब किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है आज का, ठीक हो गया। साथ साथ चैलेंज भी आपके स्टार्स की बात करते हैं, बात करेंगे एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा, आज अपने आप को माली मुश्किलात का शिकार बनने से बचाने की कोशिशों में कामयाबी के लिए अपने आप को परेशानी से बचाकर पुरसकून रहने की कोशिश ज़रूरी होगी, और इसके बाद पूरे एतमाद और यकीन के साथ आगे कदम बढ़ाना भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, यकीनी तौर पर फिर ही कामयाबी की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपने साथियों से किसी किस्म की भी तलखी या झगड़ा करने से गुरेज करें, आज किसी भी किस्म के अहम फैसले को हतमी शक्ल ना दें, और ना ही किसी मुहिदे पर दस्तखत करें, आपको अपने माली हालात के बारे में शकूक व शबात से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि दूसरों की ज़बानी सुनी सुनाई बातों पर किसी तौर एतबार ना करें, वरना सुकून गारत हो जाएगा। ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को कि दूसरों की ज़बानी सुनी सुनाई बातों पर किसी तौर एतबार ना करें। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका कभी भी कोशिश नहीं करते कि उसके बारे में थोड़ी सी हम मालूमात हासिल कर लें वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, इवन दो सुनी सुनाई बातों को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदे से बात सुनी, तस्दीक नहीं की उसकी, और आगे जो है वो चार लोगों को पहुँचा दी, वो चार लोगों ने भी तस्दीक नहीं की और उन्होंने 8 लोगों को पहुँचा दी, इस तरह से वो बात जो है बढ़ते बढ़ते क्या से क्या होकर कहीं और चली जाती है, बात कुछ और होती है। अक्सर लोगों को आदत होती है ना एक बात को चार लफ्ज़ों का उसमें इजाफा करके आगे बढ़ाना, फिर और लोग भी अगर इसी तरह से करते हैं तो बात कुछ होती है और कुछ की कुछ होकर चली जाती कहीं और, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, कभी भी कोई बात पता चले तो एटलीस्ट उसकी आप तस्दीक ज़रूर कर लें, उसके बारे में तहकीक ज़रूर कर लें कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं पाइसिस की, पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपको किसी किस्म के खतरात मोल लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव की मौजूदगी में आपकी जज्बाती ज़िंदगी मुता
متاثر ہو سکتی ہے اور ان حالات اور ستاروں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو کسی سینئر فرد کے مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہوگا. آپ کے سامنے دوسروں کی جانب بہت ساری لالچ بھری پیشکش آئیں گی سامنے لالچ بھری. سو آپ نے بھی نا سرمایہ کاری کی جانب راغب نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ نے آج کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, مناسب نہیں ہے آج کا دن, ٹھیک ہو گیا. ساتھ ساتھ بات کریں گے ایریز کی, ایریز کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا. انویسٹمنٹ جب بھی آپ کریں نا, ہمیشہ آپ چھوٹی اماؤنٹ انویسٹ کر کے اسٹارٹ کریں, کبھی بھی بہت بڑی اماؤنٹ کو انویسٹ نہ کریں. اگر کبھی نقصان ہو تو وہ چھوٹا نقصان ہوگا جو کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بات کرتے ہیں ایریز کی, ایریز کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا. آج آپ کے پاس اصل میں اپنے معاشی اور مالی معاملات کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی حقیقی وجہ موجود نہیں ہوگی, اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے سے گریز کریں. اس کے علاوہ آپ کو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی جانب سے بہترین اور عملی مدد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. بھائی بڑے لکی ہیں آپ. سو جس کے بعد آپ کا موڈ خواہ مخواہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ آج صبح سے ہی آپ کا موڈ بہتر نہ ہونے کی بنا پر آپ میں بہت سے معاملات کے بارے میں ضدی پن اور ہر بات میں رد عمل کا اظہار آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے. اس لیے اپنے ارد گرد موجود افراد کے علاوہ اپنے دوست احباب سے ہر بات میں بحث و مباحثہ کرنے سے حت الامکان گریز کریں, ٹھیک ہو گیا. بات کریں گے ٹورس کی, ٹورس کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا. آج اگر آپ کو اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں تو آپ کو پہلے اپنے لائف پارٹنر سے مشاورت کر کے اس کی رائے ضرور حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ہی ان تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کسی ایسے فرد سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ جسے دیکھے بہت دن ہو چکے ہیں. اپنے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے آپ کو اپنے طے شدہ شیڈیول پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ کے اہم معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی دوست کی جانب سے ایسے کاروبار میں شراکت داری کی پیشکش ہو سکتی ہے کہ جس میں بظاہر خاصا مالی منافع ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بات کرتے ہیں جیمنائی کی, جیمنائی کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا. آج اپنی کاروباری ترقی اور بہتری کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے نتائج حسب منشا برآمد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کامیابی کے امکانات معمول سے کم ہو سکتے ہیں, اور دوسروں کے رویے سے آپ کے جذبات بھی مجروح ہو سکتے ہیں. سو آج آپ کو اپنے معاملات کے بارے میں بھی سوچ سمجھ کر ہی آگے قدم بڑھانا فائدہ مند ثابت ہوگا, کیونکہ آپ کے لیے آج یہی بہتر لائحہ عمل ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی باہمی مہاجرائی کے معاملات میں آپ کو ملوث نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر موقع مل سکے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شام کا وقت گزارنے کی کوشش کر کے اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں. بکھرے ہوئے خیالات تو چل جاتے ہیں, بکھری ہوئی ذات کبھی نہیں چلتی. سو چلیں جی ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کامنٹس کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کون کہاں کہاں سے موجود ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی عمیر کوکو اچھا جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد علی بہت شکریہ, کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. جرنیل سودا کہتے ہیں کہ ہائی ایوری ون, اوکے کیا حال ہے جرنیل سودا صاحب, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں. ساتھ ساتھ اچھا جی محمد علی کہتے ہیں آپ ہی سب سے پہلے فریکوینسی چیک کی ہے, آج بھی آ رہی ہے ٹرانسمیشن, آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اچھا جی عبد الوحید صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے عبد الوحید صاحب, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں. اور ساتھ ساتھ جنرل سودا کہتے ہیں کہ سویٹ گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, ہیو اے نائس ڈے ڈیئر فرحانہ جی. اوکے جی سلام محبت جی, وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ بہت شکریہ محمد علی, کہتے ہیں ٹاپک پر بات کریں گے. اور جنرل سودا کہتے ہیں نائس چوائس جی, لاجواب شو, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ جنرل سودا کہتے ہیں آواز کی دنیا کے دوستوں کو میرا سلام جی, وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. اور بشیر بلوچ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ڈیئرسٹ آر جے, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کہتے ہیں شو از ونڈرفل ایز یوزول, سلام ٹو آل ریگولر لسنرز. چلیں جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام. اور جو ریگولر نہیں ہے ان کو سلام نہیں دینا. اچھا جی محسن لیاقت کہتے ہیں کہ السلام علیکم ڈیئر میم, کیسی ہیں آپ, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, آمین. اینڈ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم احسان ہے. محسن میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اور آپ کا کیوٹو بیبی کیسا ہے, وہ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ محمد علی کہتے ہیں کہ ٹاپک ون پر جواب ہے کہ میری شرارتیں تھیں فیک کرنسی اینڈ ڈور بیل بجانا, اور ڈور بیل سب سے زیادہ بجائی. اچھا جی ساتھ ساتھ فیک, اچھا ٹھیک ہے. ساتھ سکتے ہیں ٹاپک ٹو پر جواب ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک بار بڑی زبردست ڈانٹ کھائی امی سے, پھر اس کے بعد مزے
मज़े मज़े हुए थे। अच्छा जी चलें, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे को, हमारी आरजे को चुपके चुपके तस्वीर दिखा के हंसा देने वाली आरजे। वो पिक्चर भी मुझे याद आ गई जो मैंने दिखाई थी हुमैर को कल। ओके वालेकुम अस्सलाम, वो बड़ी फ़नी पिक्चर थी। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर किसी चीज़ में मुझे हंसी आ रही है ना, कोई फ़नी पिक्चर है, कोई भी फ़नी बात है, तो मैं हमेशा उसको अकेले इन्जॉय नहीं करती। मैं उसको शेयर करती हूँ जो भी मेरे साथ मौजूद होता है उस टाइम पर। सो वो मैं ऑफकोर्स मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कल, तो हुमैर वॉज ऑन ईयर, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। खाली दिखाना तो है। सो मैंने हुमैरा को पिक्चर दिखाई। माय गॉड, मतलब पाकिस्तानी आवाम जो है ना, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ हुआ। सो खैर जी, कहते हैं अरे लड़की हम पहले ही तजस्सुस के मारे हो, और ऊपर से आप कभी पिज्ज़ास की पिक्चर, कभी पार्टी। अरे नहीं, वो पिज़्ज़ा की पिक्चर नहीं थी एक्चुअली, वो तो हुमैरा ने मुझे दिखाई थी, और पिज़्ज़ा मुझे कितना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, वो हुमैरा का फेवरेट है, लेकिन हम कभी जाते हैं तो साथ में खा लेते हैं, मैं भी हुमैरा के साथ अभी हम, लेकिन बहुत टाइम हो गया अब तो, जब से ये कोरोना आया है तो तब से तो हम कहीं गए नहीं हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नहीं शॉपिंग पर तो गए, इसके अलावा हम कभी डाइन आउट करने के लिए नहीं गए। मोहम्मद अली कहते हैं कि छोड़ो कोरोना, बस अल्लाह को याद करो ना। हाँ बिल्कुल। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरे प्यारे भतीजे के लिए आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक मोहम्मद इब्राहिम को अच्छी सेहत के साथ तंदुरुस्ती अता फरमाए, जल्द से जल्द आप बताइएगा। उनकी सर्जरी थी तो अब वो ठीक हैं, बेहतर हैं, सर्जरी कामयाब हो गई होगी होपफुली। साथ साथ मौसम लगत कहते हैं टॉपिक वन पर बेल बजाकर भागना और फल तोड़ना लोगों के घरों से। अरे वाह क्या बात है, कैरियाँ थोड़ी हैं आपने बचपन में। जो कैरियाँ और वो एक और होती थी ना, वो जंगल जलेबी, वो पिंक कलर की होती हो। वाह भाई क्या बात है भाई, उसकी ना वो जो जंगल जलेबी, उसकी तो अब तो मिलते ही हैं, उसको जंगल जलेबी कहा करते थे। सो इट वाज अमेजिंग। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाई ना, मतलब आप लोगों ने पता नहीं, मतलब बहुत कुछ मिस किया आप लोगों ने अगर जंगल जलेबी आप लोगों ने कभी नहीं खाई तो। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि फितना फसाद वाले नहीं रहम वाले बनो, दिलों और घर और रिश्ते तोड़ने वाले नहीं, दिल घर और रिश्ते जोड़ने वाले बनो, गिराने वाले नहीं उठाने वाले बनो, जख्म देने वाले नहीं मरहम रखने वाले बनो। क्या बात, जबरदस्त हो गया। साथ साथ और मोहम्मद अली बिल्कुल जी, ये खबर मैं बता चुकी, तुम मुझे क्या आगे बता रहे हो हैं। जो खबरें मैं बता रही हूँ अली मुझे आगे खबरें बता रहा है, बेटा बहुत तुम्हारा साबुन स्लो है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि टॉपिक टू पर तारीख गवाह है कि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आया। जो बात है, जो गुजर गया सो गुजर गया। सो आबिद अमीर कहते हैं कि फरी आपने वर्ल्ड बैंक से वाबस्ता शर सूद की बात की, सो हम वतन अजीज को सूद से पाक। अरे शर सूद की किसने बात की है, क्या हो गया? मैंने शर सूद की बात नहीं की, मैंने शर मुनाफा की बात की, मईशत में जो है इजाफा हो गया 100% 2%, क्या हो गया? सूद की तो बात ही नहीं की। कहते हैं कि ना सूद से पाक कैसे रहेंगे इस्लामी रियासत बल्कि रियासत मदीना। मैं एक बात बताऊँ आपको, सूद से हम, सूद सिर्फ पैसे का नहीं होता, कि अगर आपने जो है वो सूद इज़ रिबा जिसे कहते हैं ना, अरबी में रिबा कहते हैं, तो सूद का मतलब ये नहीं है कि आपने बस पैसे दे दिए, पैसे जो है वो ले लिए, एक्स्ट्रा पैसे अगर लिए जो सूद की एक टर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सूद नहीं लिया तो फिर सब कुछ ठीक है। इसके अलावा जो बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो लोगों के हक मारे जाते हैं, जो अगर लोगों को हुकूक हासिल हो जाएँ तो क्या फिर ये किसी सूद से कम है क्या? अगर हम लोगों के हक़ मार रहे हैं तो क्या ये सूद नहीं है? किसी को जो है वो उसका हक ना देना, मतलब आप उसका हक़ मार रहे हैं तो किसी की हक़ तलफ़ी जो है वो सूद है, सही है? सो इस बात को ज़रा ध्यान से ज़रा सोचें। और होता क्या है ना कि अक्सर जो है वो हम जो पैसे का लेन देन है, जो सूद है, हम उससे तो उसको जोड़ देते हैं, लेकिन जो असल चीज़ें हैं हक तलफ़ी जिसे कहा जाता है, बेसिकली सूद इज़ हक तलफ़ी, ठीक है ना? सो मोहम्मद अली कहते हैं इस हवाले से ना, साबिर भाई से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई है, तो हाँ अच्छी अच्छी बातें साबिर भाई से सीखने को मिलती हैं। सो हम इस हवाले से इतनी डिटेल में बात हुई है ना कि बस मैं अगर आपको बताने बैठूंगी ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। खैर सिंपल मैंने आपको बता दिया कि सूद इज़ हक तलफ़ी, ठीक है ना? सूद इज़ नॉट ओनली इंटरेस्ट, राइट? तो इस पर ज़रा काम करने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली कहते हैं हमारा प्राइस बॉन्ड निकला था 200 वाला दो बार, 200 रुपये निकले होंगे उसमें से फिर अगर दो बार निकला था तो। साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं अरे मेरे पास 2015 के कड़क नोट अभी तक हैं, इतने पुराने हैं,
साथ साथ मोहसिन इस्तेमाल नहीं करते होंगे आप तभी। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि आपने मेरी वाली नात प्ले की थी, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अरे मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा था, यही तो मैं पूछ रही थी आपसे कल कि कौन सी नात थी। चलें हाले दिल आपको सुनाए किसके सिवा, मैं आज इसको प्ले कर दूंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, देखिए बस ये चीज़ सामने आ गई है, आज इसको हम डेफिनेटली प्ले कर देंगे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ हमदुल्ला मलखेल जुमा मुबारक कहते हैं बहुत शुक्रिया। साथ साथ आमिर सुहेल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहना, कैसी हो, अल्लाह पाक करोना की वजह से उम्मत मुस्लिमा को बचाए, आमीन। सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आप हमें सुनते हैं, क्या बात है। और साथ साथ हमदुल्ला मलखेल क्या बात है भाई, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलखेल फ्रॉम क्वेटा, आप क्वेटा से सुन रहे, क्या बात है, क्वेटा पहुँच गए आप लाहौर से, ज़बरदस्त हो गया भाई। साथ साथ कहते हैं कि दो इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से टूट जाता है, हाय क्या बात कह दिया आपने, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी मैं तो अम्मी को बाहर जाने नहीं दे रहा, इसलिए गुस्सा हो रही हैं वो। हाँ बिल्कुल जी, अभी तो फ़िलहाल बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर रिस्पेक्टेबल, आप ही कैसे मिजाज हैं आपके, आपको तमाम सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिजाज मेरे बहुत ही आला बहुत ही उम्दा हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। हमदुल्ला मलखेल बहुत शुक्रिया, आपके दोस्त भी आपके साथ सुन रहे हैं। जर्नैल सौदा कहते हैं कि दो गज़ की दूरी मास्क है ज़रूरी, बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, कि जिसकी कीमत एहसास रहम दिली है, और पहनने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाता है, फिर चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो। क्या बात है अकबर खान, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, और ठीक है। ज़ियाला खान कहते हैं अभी जब आप कल नहीं होंगी तो ना जाने हम कहाँ होंगे, कल सैटरडे को क्यों कहाँ जाओगे तुम लोग। साथ साथ आबिद अभी कहते हैं फरहाना प्राइस बॉन्ड बड़े काम की चीज़ है, पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने, अच्छा पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो खूब है, और मेरा बॉन्ड लगते लगते रह गया, बस दुआ करें हैं। मुझे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम की चीज़ है, प्राइस बॉन्ड फजूल ही है। साथ साथ मुझे तो फजूल ही लगती है। अकबर खान कहते हैं कि मेरी तरफ से रमज़ान मलिक साहब, अनवर जावेद भट्टी साहब और मसूद अहमद साहब, SM रज़ा अंकल को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नहीं मतलब इसमें क्या है कि आप अगर आप 200 का प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो पैसे 200 निकलते, कितने निकलते, ज़्यादा ही निकलते होंगे ना, सो क्या वो ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। साथ साथ अब्दुल वहीद कहते हैं कि तारीख गवाह है कि बेगम कभी नहीं भूलती कि आने वाला महीना 30 दिनों का है या 31 दिनों का क्या बात है। साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद अली कहते हैं कि पेज एडमिन साहब हम कब टॉप फ़ैन बनेंगे, पेज एडमिन कौन है भाई यहाँ पे। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी अच्छा जी सही है। साथ साथ कहते हैं एम सकलैन अब्बास के अस्सलाम वालेकुम जुमा मुबारक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि दुआ है इस जुम्मे इस मुबारक दिन के सदक़े आपकी हर परेशानी और हर मुसीबत दूर हो जाए, आमीन सो आमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए सकलैन मेरे भाई। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज भी ट्रांसमिशन नहीं आ रही, लगता है इस बार पूरा पैकेज हलाल करवा के रहेंगी आप नहीं देखिए ट्रांसमिशन आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साथ साथ अच्छा जी एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि फरमाने मौला अली है, कहते हैं कि नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है, क्या बात है। अरसलान अरसलान कहते हैं कि हेलो आप भी कैसी हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप। अरसलान ठीक है, आप खैरियत से हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। शाहजेब आफरीदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ सागर अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं साथ साथ। और साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं लाइफ पार्टनर हो तब मशवरा करें ना उनसे ये बात भी ठीक है, लाइफ पार्टनर से मशवरा करने के लिए उसका होना भी तो ज़रूरी है। साथ साथ अच्छा जी और सागर अली कहते हैं कि आई एम सैयद अली रज़ा शाह फ्रॉम विलेज सैयद आगा दीनो शाह सिटी बेलो डिस्ट्रिक्ट सुजावल से, इतना लंबा नाम कुछ और रह गया मेरे भाई, कहते हैं प्लीज़ प्ले अहमद मुगल डेडिकेट टू सैयद सुल्तान शाह,
चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं, यौम आयशा पर अर्ज है, आयशा नाम मेरी लाइफ में खास जगह रखता है, मेरी रूहानी माँ हज़रत आयशा, मेरी अम्मी जान का नाम आयशा, शरीक हयात बेगम साहिबा का नाम आयशा, भांजी आयशा, कज़न आयशा, इतनी सारी वाबस्ता खवातीन आयशा, बस इन नाम की बरकत क्या है, बस इस नाम की बरकत नोट कीजिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अबड़ो आदम कहते हैं, मेहरबान अली शाह टंडो आदम से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, टंडो मोहम्मद खान से, टंडो आदम से नहीं। चलें, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि माशाल्लाह से सब ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का, ज़बरदस्त हो गया। और साथ साथ अरसलान, अरसलान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आबिद जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अरसलान, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और मुजम्मिल बंदर लिया सिटी से हम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कमेंट्स मैंने बहुत सारे शामिल कर दिए हैं, अभी काम ये करते हैं कि हम जो है वो, अच्छा जी, अब्दुल भाई साहब कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों के बाद आपके शो में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली को भी कोविड हो गया था, अल्लाह खैर करे। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम सब रिकवर हो गए हैं। प्लीज़ सब लिसनर से रिक्वेस्ट है कि कोरोना को सीरियस लें, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अब्दुल वहीद एंड रुबीना शाहीन फ्राम इस्लामाबाद, बिल्कुल जी आपने दुरुस्त फरमाया, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अब महफूज फरमाए। आप बिल्कुल जी एहतियात, ऑफकोर्स वहाँ पर जो है वो एहतियात तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब आप बाहर जाते हैं, इंटरेक्शन होता है लोगों से, जो लोग एहतियात नहीं कर रहे ना उनकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। सो एहतियात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लाजिम है तमाम लोगों पर। और चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वही साहब, आप इतने दिनों बाद आए, मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट आप आए। और चलें, हम जो है वो एक मुझे पहले कहा, चलें जी पहले हम सुनते हैं ये वाला, मोहब्बत के सजदे कहा था मुझे किसने, आई गेस चैलेंज ही देखते हैं, मैंने कभी नहीं सुना वैसे ये, आई डोंट नो हाउ अबाउट इट, तो देखते हैं ज़रा अगर ठीक हो गया। चलें, लेट्स सी, ओके, एफएम 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। हमने आपसे पूछा है बचपन की वो शरारतें जो आपने सबसे ज्यादा की हों, जो आपको याद हों, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ साथ आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है कि तारीख गवाह है कि वॉट, तारीख गवाह है किस बात के लिए, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। आपका कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है। 10 बजे के बाद कॉल्स को शामिल करेंगे। आज वो लोग कॉल करेंगे कि जिनसे हमारी बात नहीं हुई है कल, जिनसे कल बात हो चुकी है, वो कॉल ना करें, ठीक हो गया। बाकी के 40 प्लस तो लोग हमेशा कॉल कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं। अच्छा जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं, बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपने वजदान पर एतमाद करते हुए अपने अमली इकदामात को हतमी शक्ल देनी होगी, और इसके अलावा अपने बिखरे मामलात को निपटाने और मसाइल को हल करने के लिए अपने आइडियाज़ को नए सिरे से मुरतब करना भी ज़रूरी होगा, जबकि उसके बाद ही अपना शेड्यूल दोबारा बनाना बेहतर होगा। आज अपने रिश्तेदारों की जानिब से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी की वजह से जज्बातियत हावी होने से आप दूसरों से फजूल कस्म की बहस व तकरार में भी मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसा करने से ना तो आपको कुछ हासिल हो सकेगा और ना ही आपकी ज़ाती हैसियत और साख में कोई इजाफा हो सकेगा। बात करेंगे लियो की, लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड ठीक है, अच्छा जी,
चलें जी, आज आपको अपने आप सराहने वाला से किसी भी किस्म की बहस और मुबाहसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे। इसके अलावा अपने अंदर पैदा होने वाले शकों को शबात के अलावा बेबुनियाद खदशात से भी अपने आप को बचाना होगा। वैसे भी सितारों के असरात की वजह से आज आपका दिल किसी से भी बात करने को नहीं मानेगा और ना ही आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी। ऐसे हालात में अपने अहम फैसलों को अमली शक्ल देने की कोशिश करें और किसी तवील सफ़र का मनसूबा तर्क कर दें। इसके अलावा अपनी कारोबारी मुलाकातों से भी गुरेज करें। हाँ, ऐसे वक्त में आपने क्या करना है, अपने घरेलू माहौल में तवज्जो मबजूल करने से आपको बहुत से मामलात में कामयाबी नजर आएगी। तो आपने बस यही करना है, ठीक है। सो बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज हालात के दबाव की वजह से आप में चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो आपके जहनी इंतशार का बुनियादी सबब भी बन सकता है, और यही बात आपके प्यारों को पसंद नहीं आएगी कि जिससे बाहमी बहस मुबहसा हो सकता है। सो आपके पास करने को बहुत कुछ मौजूद होने के बावजूद आपका दिल मायूसी का शिकार नजर आएगा कि जिससे आपको अपना आप बोझल महसूस होने की वजह से आप में सुस्ती और काहली के जज्बात हावी नजर आ सकते हैं। ऐसे हालात में किसी किस्म के खतरात मोल लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी कामयाबी के इम्कानात मामूल से खासे कम होंगे। अपने आप को जज्बातियत से बचाकर मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहने की कोशिश करें। और साथ ही साथ चलें जी हम लिब्रा की भी बात कर लेते हैं। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज आपके सितारों में जो असरात हैं, जो मुरतब होने वाले हैं, उनकी वजह से आपका जहन इंतशार का शिकार हो सकता है। इसके अलावा आपके दूर दराज के रिश्तेदारों की जानिब से आपको कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है कि जिससे आप काफ़ी परेशान होने के अलावा अपने दिन भर के तयशुदा शेड्यूल पर अमल करने से भी कासिर नजर आएंगे, और यकीनी तौर पर आपके मामूलात भी अलतवा का शिकार हो जाएंगे। आपको शायद आज किसी गैर मुतवक्के सफर पर भी जाना पड़े। ऐसे वक्त में आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के अलावा ट्रैफिक के कवानीन पर भी अमल पैरा होना ज़रूरी होगा। लेकिन हालात कैसे भी हों, मायूस कन क्यों ना हो, आपको हर हाल में उम्मीद रखनी चाहिए, बरकरार पुर उम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हम जो है वो उम्मीदें तोड़ देते हैं। लोगों से उम्मीदें ना रखें, तवक्कुआत ना रखें। लोगों से तवक्कुआत रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लोग आपकी तवक्कुआत पर कभी पूरा उतरते नहीं, ना तो आप किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। सो इट्स अ वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई वो कहते हैं ना कि भाई आप लोगों से तवक्कुआत रखेंगे और लोग आपसे तवक्कुआत ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे कुछ लोगों से तो तवक्कुआत वाकई नहीं रखनी चाहिए, और अच्छा क्योंकि आप कुछ भी कर लेना, सो आप यू नो बस चलें छोड़ें। आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, साथ साथ कॉल्स को भी शामिल करेंगे। चलें जी एक कॉल को शामिल करते हैं। 03216603 03 से नंबर टू कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलामुअलैकुम। लाइन पर आपका अंकल ले बिटिया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मेरी बेटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? नन्हे नन्हे हाथों से दुआ होती है ना जी, तो डायरेक्ट आसमान को चीरती हुई अर्श अजीम पे पहुंच जाती है। अरे वाह। और अल्लाह ताला भी फिर कहता है फरिश्तों से कि भाई ये किसकी दुआ आई है, इसे तो हमने कबूल ही कर लिया। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे? क्या कहूँगा जी, वही बासी बातें। नहीं कोई बात नहीं, बासी बातें ही कर लें अंकल, कोई बात नहीं। हेलो हेलो अंकल जी, अब आ रही आवाज़। क्या हो गया अंकल, आवाज़ क्यों गायब हो गई थी? पता नहीं, ये नेटवर्क। अच्छा चलें, कोई मेरा कसूर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होती है, और आप तो हमेशा इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? मैं कभी नाराज नहीं होंगी आपसे। दुआएं देते हैं तो हम कौन सा एहसान करते हैं? बिटिया जो हमारी छेरी है आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिटिया होने के साथ साथ आप तो अल्लाह के दर से भेजी हुई रहमत है अल्लाह की जी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने मेरी बात को मेरे दिमाग से निकाल देते हो। निकाल देते हो दिमाग से? अच्छा आ गई दिमाग में बात। अच्छा चले, वो बाद में मुझे शायद याद आती है तो। अच्छा आप मुझे ये बताएं जी कि अल्लाह आपका भला करे, रमजान ईद का शो आप करेंगे तो क्या किस तरह होगा, और क्या कितना इसका पीरियड होगा? अब ये अभी फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है, अभी मैनेजमेंट से जब हम बात करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स फिर मैं बता दूंगी।
तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए ना। नहीं पहले से डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी तो 15 दिन क्या हो गया अंकल, अभी इतने सारे दिन है। हमें चैन नहीं आता ना। नहीं मैं बता दूंगा, तड़प तड़प वो पानी से जो मछली निकाल लो तो कैसे तड़पती, वैसे हम तड़प तड़प तो। नहीं मैं बता दूंगी पहले से ही, आपको पता चल जाएगा आप जब शो सुनेंगे मेरा, अगर नहीं तो मैं आप लिख के बता दूंगी आपको, ठीक है ना। अच्छा दूसरा ये, हाँ ये मैंने सुना है कर्फ्यू लगने वाला है। कर्फ्यू लगने वाला है? नहीं कर्फ्यू कर्फ्यू तो नहीं, एज इन लॉकडाउन जो है वो कह रहे हैं कि लग जाएगा। कर्फ्यू तो बहुत ज्यादा सख्त ही हो जाएगा, अगर हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। लॉकडाउन को कहाँ हम लोग मानते हैं, नहीं वो प्रॉपर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर फौज आ गई है, अब पता नहीं। देखें कर्फ्यू ना लगे तो बेहतर है, कहते हैं कि वो कौमें अच्छी नहीं होती जहाँ पे कर्फ्यू लग जाए। हर चीज में पाकिस्तान के लिए फौज चाहिए, बस ये तो मसला है ना। आपको अयूब खान पता है, आपको अयूब खान के जमाने में क्या था? बिल्कुल, एक खाकी चड्डी पहन के ना, हाफ पैंट पहन के ना, पुलिस वाला हाथ में डंडा लेके बाहर आ जाता था, मजाल क्या है किसी की। आज 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 इनके हाथ में ना गने होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग मानते नहीं है, आज गनों से भी नहीं डरते। बस अपनी जान के खुद दुश्मन है ना, अपनी जान के खुद दुश्मन। ये ना ये वो कर रहे हैं कि ये जिस दरख्त पे बैठे हैं ना, उसी जिस दरख्त की टहनी पे बैठे हैं ना, उसी टहनी को ये काटते हैं अपने हाथों से। सही बात है, ऐसे ही है। तो दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कर्फ्यू लगा तो क्या आप शो करेंगी? कर्फ्यू लगेगा तो कैसे शो करेंगे? नहीं आप तो कर्फ्यू से इस्तेस्ना होते हैं ना। हाँ चलें वो देखेंगे कि क्या सीन है, वैसे हम डिसाइड करते हैं, पहले मैनेजमेंट से बात करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि शो का क्या सीन है, और फिर साथ साथ हालात भी देखेंगे। यू नो घर वाले फिर आपको पता है ना कि घर वाले कहाँ निकलने देते हैं, हम तो आने के लिए तैयार बैठे होते हैं। स्ट्राइक हो जाए तो घर वाले कहते हैं बैठ जाओ घर में आराम से, चलो कोई जरूरत नहीं जाने की। तो घर वालों को आप इतने प्यार हैं तो जाहिर है घर वाले कहाँ निकलने देंगे। फिर देखें ना, बस ये तो घर वालों को भी सुनना पड़ती है ना। यही तो इनकी मोहब्बत है, यही तो इनकी मोहब्बत है। चले इस बात में मुझे बात को याद आ गई। बाप जो है ना, बाप जो है ना वो धूप में जलता है। बाप बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है। बाप चूल्हे पे, बाप जो है वो धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है। जब जाते कहीं औलाद की परवरिश होती है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कैसे हो बेटिया? मैं एकदम जबरदस्त, आपकी दुआएं हो, मुझे कुछ हो सकता है क्या? आज तो आपने बहुत जल्दी से अर्ली मॉर्निंग में अंकल को याद कर लिया। बस बिल्कुल जल्दी बेटा, इतना जल्दी। हाँ बस मैंने कहा कि अंकल इंतजार कर रहे होंगे तो मैंने जल्दी से पोस्ट कर दिया फटाफट। इंतजार तो मैं इतना करता हूँ, बस समझे ना आप। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे अंदाजा है। बोल दूँ ऑनर? बोल दूँ? बोल दें अंकल, बोल दें अंकल, बोल दें, बोल दें। बुरा नहीं लगेगा? नहीं मानूंगी बुरा। आप एक काम करें जी, आप एक काम करें। दुनिया गोल है, आप खुद कहती है, कहती है ना दुनिया गोल है। तो आप जो नॉर्थ से है साउथ चली गई ना, तो आप वापस साउथ से नॉर्थ चले आए। नॉर्थ से साउथ? नहीं, मेरे कान जो है ना वो सुन सुन के पक गए हैं। अब क्या पक गए? वो अल्फाज वापस सुनना नहीं चाहता। अच्छा। जी ट्रांसमिशन आती है या नहीं आती है बताएं। हाँ। और हर जगह से यही होता है ट्रांसमिशन नहीं आ रही। तो आप कहते हैं जी यूट्यूब पे वो उस पे क्या नाम है फेसबुक पे सुन ले। हाँ। कोई होता है फेसबुक पे नहीं जा सकता, किसी का पास फेसबुक नहीं है। तो भाई रेडियो पे करो ना खुदा के लिए। हाँ। नहीं वो अब देखिए अंकल हो जाती है कुछ चीजें, वो बताया तो ना मैंने, मशीन है भाई, मशीन खराब भी हो जाती है कभी। कुछ हो जाता है उसमें मसला, तो बस ये वाला सीन है। सही है, ये वाला सीन है, बस ये वाले सीन को काट के फेंक दो, बस ये वाले सीन को हटाएंगे, अभी खत्म करेंगे इस सीन को। अगर 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 इंसान बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, अगर जिस्म के अंदर में कोई ऐसी खराबी होती है तो डॉक्टर काट के फेंक देता है ना। बिल्कुल, तो डॉक्टर हमारे छुट्टी में गया हुआ है, क्या करें, डॉक्टर ने छुट्टी में गया हुआ है, तभी तो मसला हो रहा है। अच्छा एक ही डॉक्टर है क्या? हाँ, वो मेन डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर है ना वो गया हुआ है छुट्टी में। अच्छा चले कॉल लंबी हो जाएगी, चले मुझे एक और मजीद बात करनी है जी। लोग कितना भी छुप जाएं लेकिन वो सामने वापस आ जाएंगे, जैसे कि आसमान के अंदर में बादल में कभी चांद छुप जाता है। हाँ।
तो कभी सूरज दिन में छुप जाता है बादलों के पीछे। बिल्कुल। तो हमारी ये मोहतरमा जो है बड़े प्यार से जो भेड़ो बोलती है वो बादलों में छुपी रही, लेकिन आखिरकार हमें पता चली गया कि वो डॉक्टर साहब भी है। हाँ देखें, उन्होंने बता ही दिया ना आखिर आगे वो डॉक्टर है। अब वो आए ना कोर्ट पे तो उनसे कहना, आप कहना उनसे कि आप बादलों से बाहर आ गई है मेरे अंकल ने कहा। बिल्कुल जी, चांद बादलों में छुपा हुआ था ना, तो बादल छट गए, चांद का चेहरा नजर आ गया है हमें। आप बादलों से बाहर आ गई और हमने आपकी रोशनी को देख लिया है। वाह, अब ये रोशनी को इसी तरह रहने देना, बिल्कुल मत होने देना इंशाल्लाह। बिल्कुल, ओके बेटिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जरूर, आप भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम जैनब, बहुत सारा प्यार जैनब के लिए। मेरी कॉल तो मिली जाती है, पता नहीं लोग कहते हैं हमारी कॉल नहीं मिलती। बस अंकल, मोहब्बत इंसान की जो है ना, बस आपके जैसी होनी चाहिए, प्योर। अली भाई को बोलो, अली भाई को, वो मेरे पास आ गया। अली आज कॉल नहीं करेगा, अली ने कल कॉल की थी। आज जिन लोगों ने कल कॉल की थी वो नहीं करेंगे, आज सिर्फ 40 प्लस के लोग करेंगे कॉल। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अंकल, खुश रहिए और सलामत रहिए। जबरदस्त हो गया अंकल, काफी दिनों बाद आए, बहुत मजा आया अंकल से बात करके। और अंकल जो है वो ऐसी शख्सियत हैं, उन लोगों में से हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बात करके कभी बोर नहीं होते, तो अंकल भी वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरी लाइफ में कि जिनसे मैं बात करके कभी बोर नहीं होती, वो बोर हो जाए भले से, मैं कभी बोर नहीं होती, तो अंकल भी उनमें से ऐसे ही एक हमारे बड़े प्यारे से जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी जेडियो की फैमिली का। सो चैलेंज एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्टी साहब, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का करम, आपकी दुआएं जिनको बेटियों की और इतने सुनने वाले प्यारे प्यारे लोगों की दुआएं हो, उन्हें कुछ हो सकता है? बिल्कुल जी। और दूसरा, जितनी मेहनत हम कॉल करने पर लगाते हैं ना जी, काश अपने घर से उतनी लगाए ना, तो शायद वो एक पराठे सुबह एक पराठे की जगह दो पराठे मिल जाए। अरे वाह। अच्छा देखे, बचपन की तो देखे शरारतें तो बहुत सारी है ना, दो तो मुझे यानी कि इतनी है कि बयान करें तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हाँ, दो बड़ी प्यारी है जी, बताइए। एक तो ये है कि हम वाला पांचवी जमात में क्या उम्र होती है, चौथी पांचवी जमात में, तो लोगों को अपना क्लास टीचर, अपना क्लास फेलो जितने ना, उनको धुमे बांधते थे, हम लोग रस्सियां ले जाते थे साथ, तो धुमे बांध देते थे पीछे, वो शलवार कमीज हुआ करती थी। अगर वो अपना पैंट भी पहनी है ना, तो जेंट क्लिप नहीं होते, उनको सीधा करके एक साइड पे रस्सी लगाई, एक साइड पे उसको हुक बना ली और वो टांग ली, और यहाँ तक टीचर तक को नहीं छोड़ा, टीचर्स को भी नहीं छोड़ा। कई हाँ कई दफा ऐसा होता था कि वो घर तक भी ले जाती थी, दूसरे दिन आगे पूछ रहे भाई ये किसने लगाया। तो फिर एक ये था कि ये 100 के नोट जो है ना, नकली नोट, वो अभी तो काफी पाबंदी हो गई है, पहले तो इस तरीके के वो छपते थे कि पता ही नहीं चलता था असली कौन से नकली कौन से, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करते थे कि पता ही नहीं चलता था, और सड़क पर रख देना और कोने में बैठ जाना। अब मजे की बात है, साइकिल वाला जा रहा है, साइकिल पे लोग खेल रहा, 100 का नोट उठाया, 100 का नोट उठा रहे जो ऊपर तक किया, कई ना जेब में डाल के ले जाते थे, बाद में देखते थे, और कई जब देखते थे तो चार गालियां भी देते थे यार किसने रखा है। तो बहरहाल एक छोटी सी बात करूंगा कि बीवी ने अपने खावन से कहा कि भाई रात को आप खाब में मुझे बहुत मेरी बुराइयां कर रहे थे, तुम खूबसूरत नहीं हो, मुंह ना मत्था, जिन पहाड़ू लत्था, तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता। हाँ जी, तुम मेरी सारी तनख्वाह छीन लेती हो, मुझ पर शक करती हो। हाँ। खावन ने कहा कि कौन कम बस सोया हुआ था। हाँ। मैं तो जाग रहा था। नहीं समझी आ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि खुली आंखों या ख्वाब हो, कभी भी अपनी शरीर की हयात की बुराई ना करें। बिल्कुल, सूरत की खूबसूरती को मत देखें, उसकी ये खूबसूरती कम है कि उसने आपके घर को, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया हुआ है। सही, उसने आपके माँ बाप की खिदमत में दिन रात एक कर दी है, बच्चों की तालीम
लड़के को जेवर से माला माल करने के लिए शबो रोज एक कर रही है, सही, वो आप उसकी जितनी अफजाई करेंगे ना उसमें इतनी एनर्जी आएगी वो भी 0 मीटर। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं तो सिर्फ आप भी बात हो रही थी जो ने 31 और 30 महीने का लड़की बाल आपने तस्करा किया था जी जी, लेकिन बीवियों को फरवरी के महीने का नहीं पता होता 28 का 29 का है, ठीक है। और 90% को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लीप ईयर का पता ही नहीं है कि वो 29 का महीना जो है ना फरवरी का तो कौन से साल में आएगा। तो बहरहाल मैं तो माशाल्लाह मैं आज नहीं कॉल करनी थी, लेकिन ये कि क्या 2 मिनट 3 मिनट सही से छोटी सी छोटी कॉल ही करूंगा। नहीं, हमारा यहाँ आने का मकसद जो है ना बेटा, हमारा मकसद ये है कि प्यार की फसल जो है ना हम लोग जो बोते हैं ना जी, और इसको काटते हैं और उसको बांटते हैं, यकीन करें हमें इतना अच्छा लगता है। कल का थोड़ा सा प्रोग्राम सुनकर थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी सारी फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीन करें अल्लाह की कसम से मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे बार बार बहुत दुख होता है कभी ऐसी कोई हो जाए ना, तो होना ये चाहिए कि हम लोग सारे एक हैं। बिल्कुल, कभी ये प्यार को देखिए, हमें कोई लालच है, मैं एयरपोर्ट में बैठा हूँ, मुझे आप कराची से क्या लालच है भाई, सही कॉल कर रहा है तो चले मैं शाम को जाके घर में इसको जाकर राशन डाल के दे आऊंगा। कोई लालच नहीं है, यकीन करें। बिल्कुल, सिर्फ हमें प्यार चाहिए एक दूसरे का, ऐसे ही ऐसे ही। और जब आके हम प्यार भरी बातें करते हैं ना तो हमारा दिल इतना खुश इतना दिल भरा हो जाता है कि हमें समझ की एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि सारा दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरता है। बिल्कुल। और ये क्या कम है कि किसी के दो प्यार भरे बोल सुनने के, अगर मैं अकबर साहब की, बलाल बल साहब की है, अली भाई हैं, एस एम रजा साहब हैं, रमजान मलिक साहब हैं, काशिफ मलिक साहब हैं, मसूद अहमद साहब हैं, मोहम्मद अली हैं, शहजाद साहब हैं, हमारी डॉक्टर साहब आती हैं, राज बेटी आती हैं, ये सबको सलाम भी कहता हूँ। और जब इनकी बातें सुनते हैं ना तो यकीन करें कि हमें किसी विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे, तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं तो ये प्यार भरा माहौल इस तरह कायम रखे। ये गुलशन में सारे फूल हैं, हर एक की अपनी अपनी खुशबू है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो मजा तभी आता है देखें, जहाँ फिर चले मैं सारी बातें छोड़ के आखिर में ये कहूंगा जी, तो सलाम कबूल हो गुलशन 98.2 के मालिक को, वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से अल्लाह हाफिज जी। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं मजीद, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अली की अम्मी है ना आप जी? कैसी हैं आप आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है आपकी। चलें इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, अपना ख्याल रखें, ठीक है जी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे सांस भी फूल रहे। जी जी, आप आराम आराम से बात करें क्योंकि मुझे फजूल बात नहीं करनी आती। सही है, है ना। आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप मम्मी और सब कुछ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बहुत दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। अरे जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आंटी, हम भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करते हैं और तमाम लिसनर्स भी आपके लिए खास तौर पर दुआएं करते हैं। और कुछ कहना अच्छा, चाहेंगी? एक फरमाइश है मेरी जी, बताइए। जुनैद जमशेद की नात सुनवा दें। चलें मैं लगा दूंगी जाते जाते, ठीक हो गया? चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आंटी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए और खुश रखे और सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, एक मस्जिद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाम बताइएगा अपना।
सफिया कयूम, सफिया कयूम से मेरे ख्याल से पहले बात हो चुकी है ना? नहीं नहीं पहले नहीं हुई, नहीं हुई है, फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हुई है? अच्छा चले, हाँ बाजी ये ट्रांसमिशन नहीं आ रही, बहुत परेशान हूँ। ट्रांसमिशन आ जाएगी, परेशान नहीं हो मेरी जान, ठीक है? सो परेशानी वाली आप, हाँ आप ठीक हो? मैं एकदम जबरदस्त प्यारी सी, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से जी। और कुछ कहना चाहेंगी? कब से सुन रही हैं आप शो, कब से, कितना टाइम हो गया आपको हमारे शो सुनते हुए? रमजान से पहले सुनती हूँ। रमजान से पहले से सुनती हैं, ओके चले नहीं, नहीं, पहले भी सुनती थी। अच्छा पहले भी सुनती थी, 101 से आपको सुनती हूँ। अरे 101 पे सुनती थी, मुझे इतनी पुरानी लिसनर है तुम मेरी, ओ माय गॉड, वाह भाई लड़की क्या बात है, तुमने तो दिल खुश कर दिया। हाँ और 103 पर भी मैं आपको मैसेज करती थी। अच्छा वाह, किस नाम? सफिया से, सफिया के नाम से मैसेज करती थी मुझे? ओके आई गेस, हाँ मुझे याद तो आ रहा है। ओके चलो जबरदस्त हो गया सफिया, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी आप हमारे साथ हैं जी। आप ये जो एसएमएस होता है ना, ये भी बहाल करो तो सही है। क्या एसएमएस 888 का? हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है हम आपको बताएंगे कब आपने मैसेज करना है। ठीक हो गया सफिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चंदा। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और कॉल्स में शामिल करूं और मजीद चलें एक काम करते हैं, कॉल्स में बिल्कुल शामिल करती हूं, चलें एक कॉल में शामिल करती हूं, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई कहाँ गायब है आप, हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है शुक्र 11-12 बजे जागता हूँ। अच्छा 11-12 बजे जागते हैं? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। बिल्कुल शुक्र की मैं थोड़ा सा आज मैं 9 बजे जा गया था, मैंने बोला चलो पुराने की शो में भी पार्टिसिपेट करेंगे, चैलेंज जबरदस्त हो गया, काम कंप्लीट करेगा। हाँ बिल्कुल। और ये बताइए कि क्वेटा का मौसम कैसा है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है? मौसम बर्फबारी की तरह से हो रही है, क्वेटा का मौसम जो है कल भी बादल छाया हुआ था। अच्छा, तो भी बादल, आज भी कई कई जगह पे बादल महसूस कर रहे हैं। अच्छा अरे वाह। और आपका ठाकिक भी माशाल्लाह से, बचपन में मेरा सबसे बड़ी शरारत ये कर रहा था, मैं आस पास जब फायर चंदर होता तो उसके लिए पत्थर मारते थे। अच्छा हाँ। उसकी घर की दरवाजे के लिए मैं पत्थर से मारता था। हाँ। और बेल में बहुत ज्यादा बजा रहा था लोगों की। अच्छा बेल बजाते थे, ओके। 12 बजे नहीं, बेल बजा रहा था। अच्छा रात के 12 बजे? नहीं नहीं दिन के 12। अच्छा दिन के 12 बजे? गर्मियों में। अच्छा ठीक हो गया। तो फिर मैं उसको दिन पे फैशिंग टेप लगा रहा था, टेप। अच्छा था। अच्छा हाँ, वो टेप लगा के भाग जाए करते हैं ना, बेल बजती रहती बजती रहती है। हाँ सही है। और इसके अलावा बस यही था, बस जब आप लोग स्कूल में था, बच्चे जब डेस्क सर पे में बबल लगा रहा था। अच्छा और गमी में छोटे बच्चों को बबल ही शरारती किया होता। अच्छा ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, चैलेंज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और मैं आज बैक टू बैक कॉल्स ले रही हूँ, क्या बात है भाई क्या बात। चले एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है मुझे? क्या हाल है आबिद अमीन खापा साहब? ओए रेडियो तो बंद कर दे भाई, मेरी आवाज आ रही है मुझे? एक मिनट ना, एंट्री हटा। हाँ आ रही है सही मेरी? हाँ जी बिल्कुल एकदम परफेक्ट जी, कैसे हैं आप? ठीक है? अपनी आवाज खुद ही को आती है, मुझे आवाज आ रही थी। हाँ अभी मेरे शो की आवाज आ रही थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाल 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 ठीक है, माजी भी बेहतर था और मुस्तकबिल की। वाह वाह क्या जोक मारे, वाह वाह। अच्छा अच्छा जी, कहने का मतलब ये है कि देखें
मैम डॉक्टर साहिबा से गुजारिश है, डॉक्टर साहिबा जो इफ्तारी के टाइम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, कोई बड़ा आपके लिए ना पावरफुल बड़ा फायदेमंद होता है जो इफ्तारी के लिए, रोजदार के लिए, रोजदार जो होते हैं वो अलग बात है कि जो रोजदार नहीं होता वो ज्यादा अच्छे से इफ्तारी करता है, ये तजुर्बा है मेरा। लेकिन क्या मैं ना वैसे ही बड़ा फायदेमंद होता है फ्रूट भाई इफ्तारी के टाइम, बिल्कुल तो मतलब जरूर भाई मैं इफ्तारी के टाइम क्या फ्रूट जो है आप क्या पूरे साल नहीं खाते, सिर्फ रमजान में ही खाते हैं इफ्तारी के टाइम? रोजेदार पूरे दिन जैसे देखें तरबूज है, पानी की पी और बहुत सारे लोग हैं जो रोजे में थोड़ा सा और दुश्वारी, तो बहुत बड़ा फायदेमंद होता है, इफ्तारी जरूर करनी चाहिए और फ्रूट वगैरह रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा, मैं तो डॉक्टर साहब को लगा के छोड़ूंगा फ्रूट वगैरह। डॉक्टर साहब ये देखिए अताई डॉक्टर है, आपको आपको अताई डॉक्टर मशवरे दे रहे हैं। हाँ नहीं खाना तरावी के बाद बस, खाना भी जरूरी है या अल्लाह। हाँ नहीं खाना तो जरूरी है ना, जाहिर सी बात है, मतलब भूख लगती है, चार घंटे बाद तो भूख लगेगी ना, फिर हल्की तो ले लस्सी और फैनी वगैरह है वो रख ली सहरी में, और बकाया ये है कि बकाया जो है खाना खा लिया जाए। इतना खा लेते हैं आप लोग माशाल्लाह, क्या बात है भाई, शैतान की आंख। अरे हाँ ना मतलब अब पेट के कीड़ों के लिए भी तो सोचना है ये सही है भाई, पेट के कीड़ों का खामा खाई बेचारों का नाम बदनाम है जी नहीं ऐसा है, कोई नहीं ऐसा है, हाँ इतना खा के कीड़े होते हैं वो भी तो डॉक्टर साहब, ये भी तो है दिमाग में कीड़े होते हैं हर किसी के, कहते हैं हर इंसान के होते हैं, डॉक्टर साहब ये किसने कहा आपको? अरे कहते हैं हर, मतलब मैंने मायरीन से सुना है भाई ये कौन से मायरीन है? अरे मैंने सुना एक प्रोग्राम में सुना। अच्छा अच्छा चले हम पहले इस पर रिसर्च करेंगे ऐसा है या नहीं है, तो वाह और क्या कहेंगे, तौबा टू माय गॉड। अच्छा ठीक है, देखें जिस तरह ये टॉपिक पर मैं कहूंगा कि पचपन और छप्पन, नहीं नहीं बचपन और पचपन और छप्पन, नहीं नहीं बचपन और पचपन मुहावरा कहा जाता है ना टॉपिक पे, बचपन और पचपन यक्सा होता है, तो पचपन और छप्पन निकल गया तो अपनी उम्र बता मतलब दिया आपने पचपन और छप्पन। तो आधी उम्र नहीं बनेगी, ओ माय गॉड बस कर दें। ये कहने का मतलब भाई ये मतलब ठीक में कह रहा हूँ, यकीन माने है। अच्छा 30 साल के आप? हाँ थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए तो चले, लगाए इसमें मैंने हफ्ता इतवार निकाल के बताया हफ्ता इतवार नहीं, आपने पीर मंगल बुझ मेरा जुमा भी निकाल के बताया है नहीं नहीं यकीन माने हफ्ता इतवार निकाल के तीस से मैंने हिसाब लगाया था। अच्छा अच्छा चलो ऑनेस्टली, अच्छा 30 के ऊपर जाना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार मुश्किल है, 30 से ऊपर जाना मुश्किल है, आप 30 पे अटक गए। परसों शॉपिंग करने गए, एक लड़के ने शहजादे ने कहा कि अंकल ये चप्पल देख लें आयशा को, तो मैंने बोला शॉपिंग भी नहीं करनी इस बंदे से, लूंगा नहीं अंकल, क्यों पड़ा मुझे अंकल कैसे बोला वो शॉप कीपर, हाउ डेयर यू टू कॉल अंकल, लाफ्टर दिया जबरदस्त लाफ्टर दिया, लेकिन मैंने बोला मैं शॉपिंग ही नहीं करनी अंकल कैसे कहा, अंकल को अंकल कैसे कहा, हाउ डेयर यू है भाई, अंकल को अंकल कहा कैसे, हिम्मत कैसे हुई अंकल को अंकल कहने की, मतलब आप मतलब जरूरी है आपको सच का साथ दें आप हैं, सच का साथ दें आप, सच का साथ, सच का ही तो साथ दे रही हूँ, अंकल को अंकल नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे, शुक्र है आपको दादा नाना नहीं बोला उन्होंने नहीं अंकल नहीं। अच्छा मैं अर्ज करूँ, यकीन जाने रोजा जो है ना रोजा इससे तो प्यार हो गया है, जिस तरह पता चलता जाता है ना आहिस्ता कि दिल के अमराज और आपका जो पेट है वो कम हो रहा है, वो बीमारियां कम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल इतना खाने के बाद पेट कम हो जाता है रोजा रखने के बाद भी क्या सॉरी मैं कह रही हूँ कि भाई आपने रोजा रखने के बावजूद जब रोजे के बाद इतना कुछ खाने के बाद पेट कम हो जाता है ये हाँ हाँ हो जाता है, ये बिलीव में हो Seriously? जाता है, I don't believe you. नहीं नहीं इफ्तारी करते हैं इसके बाद अब नमाज पढ़ने जाए ना तो पैदल जाए नमाज मगरिब में, मेरे पास लॉजिक है ना, हाँ, 2 किलोमीटर दूर मस्जिद में जाए नहीं नहीं तो नहीं आपको हजम हो जाता है ना तो नॉर्मल आपकी इफ्तारी 4 कदम दूर मस्जिद में कहाँ गली के कोने में मस्जिद हो किसी के तो फिर उसका तो हजम ही नहीं होगा खाना कुछ
इफ्तारी के बाद आते हैं ना आप, तो पानी पीने के आपको दिल करता है कि पानी पिए, चाय वगैरह पीने के बाद जब आप तरावी पढ़ते हैं ना, तो तरावी के बाद आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो आपको, ये तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं खाते वो खाना रात में, नहीं खाते अलबत्, उनको शायद हाजमे वगैरह का होगा, अगर नॉर्मल बनता है ना बिल्कुल उसका हाजमा नॉर्मल है तो मैं मान नहीं सकता कि तरावी के बाद वो खाना ना खाता हो। अच्छा नहीं ठीक है, कोई ऐसा हो तो माफ चाहता हूँ मैं। अच्छा नहीं और कुछ इसके अलावा? तो इसके बाद मेरे कान खींचे ना तो पहले से ही माजरत। चले खैर है कोई नहीं, कान तो सिर्फ मैं ही खींचती हूँ। लोगों को कहता हूँ लंबी कॉल का, आज मैंने एक क्राइम कर दिया। हाँ क्या क्राइम कर दिया आपने? लंबी कॉल, लंबी कॉल। चले कोई नहीं, खैर है, सही है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्या मैंने आपकी ढेर सारी दरख्वास्त रहेगी, और अपनी चप्पल जो है ना पीके मूवी की तरह कोई स्टाइल बनाए, और अपनी चप्पल अगर बचाना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, आमिर खान ने सिखाया था, मैं तो कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एक चप्पल मस्जिद के उस गेट पे, एक चप्पल मस्जिद के उस गेट पे, तो एक दिन माने कोई चोरी करके तो दिखाए, जिसने मुझे नोट किया हो। और अगर किसी ने पहले आपको ताड़ लिया पीछे से, एक चप्पल मार अगर एक चप्पल मार, फिर आपकी तो कच्ची हो गई ना। लेकिन माने तो उसकी तपती में धूप पे पैदल आना है ना, मतलब माँ की बदवा से कम नहीं है। चले जी जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया आबिद अमीर, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, चले जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? रमजान मलिक साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान, शुक्र है मालिक का। आपको जुम्मा मुबारक, और खैर मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक और आपको भी खुश आमदेद। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम जी कर रहे हैं आपका, बहुत शुक्रिया। और बचपन में आप ले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाल एक दफा ऐसा हुआ जी, मोहतर कि हम बचपन से ही इनके पांचवी क्लास से मैं रेडियो में खत लिखता था जी, और बीबीसी वगैरह पे बहुत से खत लिखते थे, और अभी जाने दूर जाकर लेटर डालने के लिए, तो वो लेटर बॉक्स वही घर के करीब लगवा दिया ना एक एप्लीकेशन दे के, लेकिन मुझे डाकिया था बुजुर्ग थे, वो 10 दिन के बाद लेटर निकालने आते थे लेटर बॉक्स से, हालांकि खत डेली हर रोज निकाले जाते हैं जी। जब हम पांचवी क्लास के दोस्त थे तो हमने मशवरा किया आपस में भी, क्या लेकिन वो बहुत अजीब सा लगता है सुनवाते हुए भी, और ये इनके काम हमने किया जो एक शरारत की हमने जी, कि तुम्हारा देहात से था वहाँ सांप बहुत होते थे ना, तो अब भी देहाती एरिया में गर्मी में बहुत ज्यादा सांप होते हैं जी, तो हमने एक सांप मार के ना लेटर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, खत वाला जो डब्बा था ना जी जी, तो उसमें डाल दिया, और अगले दिन दाखिला साहब ने खत निकालने के लिए आना था, तो मैंने ताला खोला, बीच में हाथ मारा, हम देख रहे थे ना, तो वो तो मरा हुआ सांप निकल, डरा बड़ा डरा, इतना डरा कि जिसकी फिर चीख निकल गई, लेकिन वो जानने वाले थे, लेकिन अब हम 6 या 7 दोस्त जो 5-6 क्लास के थे, उनमें से सबसे इनकी बजायर एक शख्सियत के हिसाब से मैं बहुत शरीफ लगता था, उन्होंने मुझ पे शक नहीं किया, अच्छा, लेकिन फिर दूसरे दोस्तों की शक्ति आई, और एंड में फिर उनको बचाने के लिए मैंने अपना किया नाम लिया, कि ये उन्होंने कहा यार आप तो बिल्कुल ही अजीब आदमी निकले, मैं तो आपको ये वाला कारण उनसे, फिर इस हवाले से हमारी ये दोस्ती होगी। फिर मैंने एक नकली सांप जो रबड़ का होता है ना जी, तो एक दफा वो बीमार हो गए, बीमार के बाद ठीक हुए, तो उन्होंने हमारी दावत की ना, तो
मैंने ब्रीक गर्मियों थी, काफी गर्मी थी, तो मैंने ब्रीक कपड़े पहने हुए थे जो कमीज है, तो वो रबड़ी रबड़ी जो काम था वो मैंने अपनी जेब में डाला हुआ था, वो बाहर से बिल्कुल नजर आ रहा था। अच्छा। जेब बिल्कुल ब्रीक थी, तो जेब में जो कुछ भी था वो बाहर सामने नजर आ रहा था। जी। तो हम उनके पूछने के लिए गए, पूछने के बाद वो ठीक हुआ तो उन्होंने खाना किया, तो हम खाने पे गए, तो अब वो जेब जो है वो कुर्सी पे हम बैठे थे, जो जेब साइड से लटक गए थे ना, उन्होंने जान बूझ कर डाल कर दिया था। अच्छा। उन्होंने उनकी नजर पड़ी जेब पे, कहते भी अब शाम को आपने प्लेट में रख के मुझे खिलाना है। सांप से जान भी नहीं छुड़वा रहे आप। हाँ, हर जगह सांप लेके आ रहे। तो ये बहुत एक अजीब टाइप की एक ही बात है, बाकी तो हम इतनी की शरारत वगैरह ना वक्त मिलता था करने का। हाँ। ना इनकी इतना ही वालदेन ने बिजी रखा काम, मुख्तलिफ काम करने के हवाले से, तो शरारतों का बहुत कम टाइम मिलता था, लेकिन ये एक ऐसी शरारत थी जो मुझे याद है। बाकी आपने जो दूसरा सैयद अफरान से आपका मौजूद है कि तारीख गवाह है जी, ये बेसिकली तारीख हमारी जैसे लोगों की तरीक होती है, हमारी तारीख अपने दोस्त ही होते हैं जो बचपन में हम इकट्ठे सारा कुछ रहते हैं, तो उसको तारीख एक हवाला हम दे सकते हैं जो दोस्त होते हैं। लेकिन एक चीज का मुझे अपनी इजाज़त पे बहुत फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तारीख गवाह है कि हम मुस्तकिल मिजाज रखते हैं। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। हमेशा यानी कि मुस्तकिल मिजाज आदमी होंगे, एक ही मिजाज के साथ मैं अपने आप को रखता हूँ। अभी कुछ देर पहले सैयद अफरान साहब आपने एक पता नहीं काशिफ अली मलिक साहब का मैसेज कर देते हैं वाले से एक टर्म का तस्करा था 313 का जी जी जी, तो जाते जाते मैं एक अच्छी बात जरूर शेयर करता जी प्लीज, कि ये एक ऐसी जंग थी, कल भी हमारा सुबह सेवा के प्रोग्राम में मैं इस चीज का तस्करा कर रहा था जी, कि इसने इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। तो मुख्तलिफ तरीकों से इस जंग के, अच्छा इस जंग में 313 से उधर 10,000 का मुश्किल था ना, तो मुसलमानों के पास हर चीज बहुत कम थी जी, यानी खसूसन जो जंग के आलात थे वो बहुत कम थे। बिल्कुल। एक खतून ये आप बहुत तरीक देने से ये बात समाज फरमाइएगा, एक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहसास किया करते थे, कि एक खातून अपने 3 साल के बच्चे को लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज करती है या रसूलल्लाह, मैं एक शहीद की बेटी हूँ, एक शहीद की बीवी हूँ और एक शहीद की यानी कि एक और शहीद का तस्करा भी इसमें आता है कि वो बहन हो, एक शहीद की बहन भी हो, एक शहीद की बीवी हो, एक शहीद की बहन हो, एक शहीद की बेटी हो। अब मैं एक शहीद की क्यामत वाले दिन मैं एक शहीद की माँ के हवाले से पुकारा जाना, यानी कि मेरी ख्याल है कि मैं पुकारी जाऊँ, मुझे एक शहीद माँ के नाम से पुकारा जाए। तो याद सुनना, मैंने सुना है और देखा भी है कि आप लोगों के पास जंगी आलात जो है बहुत कम है, तो आप मेरे इस 3 साल के बेटे को अपने साथ ले जाए, जब आप जंग के मौके पर मौजूद हो और दुश्मनों की तरफ से कोई तीर आए तो आपने मेरे इस बेटे को अपने हाथ से लेके ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना है, ताकि वो तीर आपको लगने की बजाय मेरे बेटे को लगे, आप उस तीर लगने से बच जाए तो मेरा बेटा उस तीर की वजह से शहीद हो जाए और क्यामत वाले दिन मैं एक शहीद माँ के नाम से पुकारी जाऊं। तो आप ने जिसको देखा आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाते हैं कि मेरी बहन आप अपने बच्चे को वापस लेके चली जाए, मैं मोहम्मद आपसे वादा करता हूँ आप क्यामत वाले दिन एक शहीद की माँ के नाम से पुकारी जाएंगी, आप क्यामत वाले दिन एक शहीद की माँ के नाम से पुकारी जाएगी। क्या बात है। तो वो खतून वापस चली जाती है, यानी कि एहसास रखना, एहसास सोचना, ये एक एहसास की सिमत है ना। बिल्कुल। कि एक तीर हमारे पैगंबर आजम
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को आके टच करे, उससे टच करने से पहले ये तीर मेरे बेटे को लगे और वो भी 3 साल का हो। उस दौर में यानी कि ये जंग मुसलमानों ने जीती और इसमें यानी कि 3 साल के बच्चे का आप मुताबिक है तो एक तरह से इस जंग जीतने में आपको 3 साल के बच्चे का किरदार भी सामने नजर आता है। तो बात के लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं, आपने हमें कीमती वक्त अता फरमाया, हमेशा आपका मशकूर है। बहुत शुक्रिया, हम आपके भी मशकूर होते हैं कि आप हमेशा अच्छी बात शेयर करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा नवाज मेरी फैन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को खुश रखिए और सलामत रखिए। मैंने बैक टू बैक बहुत सारी कॉल्स को शामिल कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, कुछ ज्यादा ही नहीं आज मैंने बैक टू बैक, लेकिन मजा आया भाई आज बैक टू बैक कॉल्स को शामिल करने का। लेकिन अब हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, ठीक है ना, मजे मजे की इंपॉर्टेंट कॉल्स जो हैं वो हमने शामिल किए हैं और बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। बिल्कुल जी, जब अच्छी बातें इल्म रखने वाले लोग आपको कुछ बताते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है और साथ साथ शुक्र करने की भी ज़रूरत है। सो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं और उसके बाद जो है मैं कॉल्स को थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद शामिल करूँगी, मे बी एक कॉल में शामिल करूँ, ठीक है। अच्छा जी, ज़ियाउल खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और कहते हैं कि बुज़ुर्गों की बातों में बड़ी मिठास होती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही असमत हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि अदनान उनका नाम है, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली, बिल्कुल जी आपकी अम्मी से बात हो गई है, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरी बचपन की शरारत गेट की कुंडी बजाकर भागना है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी आपकी अम्मी के लिए दुआएं तमाम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि सफ़िया की कॉल सुनकर आपका खून बढ़ गया होगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, जब पुराने लिसनर्स हमारे साथ साथ हो तो क्या ही बात है। अब पता है आपको, नए लोग भी ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना कभी भी कोई भी काम, और साथ में जो लोग आपके खड़े होते हैं वो आपके लिए बड़ा मैटर करते हैं, चाहे वो कोई एक लिसनर हो, दो लिसनर हो, 3 लिसनर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा लिसनर्स हों, जो आपको उस टाइम पर अप्रिशिएट करते हैं जब आप जो है वो कुछ भी नहीं होते, आपने कुछ भी नहीं किया होता। सो अब जो है वो तकरीबन कोई ये ना 4 साल तो हो गए हैं, 5वां साल जो है वो हो जाएगा, 5वां साल शुरू हो जाएगा। सो होता है ना कि आप जो हैं वो जब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं ना, आपको वो लोग बड़े याद रहते हैं। तो ऐसे ही है, जो लोग पुराने टाइम से मीन्स जो लोग मुझे 101 से जो लोग जानते हैं, सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्होंने तमाम वो फेजेस देखे हैं। जैसे कि मैंने 101 से स्टार्ट किया तो 101 में क्या सिलसिला रहा, बेहतरी आई कि नहीं आई और किस हद तक बेहतरी आई, वो तमाम चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ तमाम लोगों ने मेरे साथ साथ एक्सपीरियंस किए हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नए लोग आते हैं, वो कहते हैं ना कि लोग मिलते जाते हैं, कारवां चलता रहता है, तो ऐसे ही है। सो अच्छे अच्छे लोग भी साथ साथ शामिल हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पुराने भी साथ साथ आते हैं तो और मज़ा आता है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि नाइस लुकिंग है, नाइस लुकिंग व्हाट, कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों और बच्चे लोगों से बहुत प्यार किया करें, बच्चे लोगों से क्या होता है। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि फरहाना अभी आप तो हैं ना, आप तो हैं ही लाजवाब, अच्छा ठीक है। साथ साथ इमरान राणा इमरान राजपूत कहते हैं के सिस्टर खापा साहब आ गए, बिल्कुल जी ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं पेट में कीड़े होते हैं या चूहे होते हैं, पता नहीं, ये तो आबिद अमीर को बताओगे, हमें क्या बताओ। साथ साथ काशिफ अली वाली कहते हैं कि आबिद अमीर, आबिद भाई थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी ही, थोड़े ऊपर ही चले गए। अच्छा, अली रजा कहते हैं कि या अल्लाह खैर, आबिद अमीर साहब हद है वैसे। अच्छा, ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं रोज़ों में फिर खाने पीने की बात, तो क्या हो गया भाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए बस। साथ साथ अली कहते हैं नात प्ले कर दें, ज़रूर प्ले करेंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं वो वाह भाई आबिद भाई, आप तो छा गए हैं आज, बिल्कुल छा गए, बादल है वो छा गए।
साथ साथ अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं कि बेटा रानी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। प्रोग्राम अच्छा है। कल मेरे साथ अजीब हादसा हुआ, कहीं कई बार वार्निंग के बाद कल रेडियो सुनते हुए पकड़े गए और मेरा एक ही जवाब था, नौकरी छोड़ सकता हूँ मगर रेडियो नहीं। मुझे पता था कि मेरा रेडियो के बगैर गुजारा नहीं है और उनका मेरे बगैर नहीं। खैर 9 से 12 तक की इजाज़त मिल गई है मगर काम का खर्च ना हो, ये ही तो है अपनापन। अरे वाह क्या बात है भट्टी साहब, ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। ये जो रेडियो से मोहब्बत है ना आप लोगों की, वाह बस मतलब ये बहुत ही अनमोल है। मोहम्मद अली कहते हैं कि आज तो कॉलर्स के मज़े ही मज़े हैं। बिल्कुल जी, और साथ साथ बहुत शुक्रिया। नाज़िम अरमानी कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कॉल रमज़ान मलिक भाई की। बिल्कुल जी ऐसे ही है, रमज़ान मलिक साहब जब भी आते हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, नाज़िम अरमानी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी गला ख़राब है शायद आपका, आजकल ठंडा पानी पी रहे हैं, मेरा गला तो ज़रा ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं कि जंगल जलेबी बहुत खाइए, वो भी कब्रिस्तान में से तोड़ कर लो, कब्रिस्तान में से तोड़ के खाइए, और जगह नहीं मिली कोई है। अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है, जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और काशिफ अली मालिक कहते हैं सर्जरी तो हुई है पर अभी तक कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। सैलन जी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है वो मोहम्मद इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए और जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएँ। और साथ साथ अली तुमने बहुत बार रिमाइंड करवा दी है अपनी रिक्वेस्ट, सही है अली रज़ा, मैंने कहा तो है प्ले कर दूंगी। साथ साथ अली रज़ा बहुत शुक्रिया कहते हैं कि नाइस कॉलर रमज़ान मलिक साहब और आबिद अमीर साहब अंकल ऐसा नमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और चले मैं एक लास्ट कॉल को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है मेरे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आपकी सवेरा बात कर रही हूँ। सवेरा कहाँ थी सवेरा, इतने दिनों से सवेरा क्यों नहीं फैलाया तुमने हमारे शो में आके? आप भी बस ने ना बस बिजी थी, वैसे आप ना सुन लेती थी शो। अच्छा, लेकिन आप बहुत मसरूफ थी ना, बहुत मसरूफ थी। हाय लड़की इतनी मसरूफ कहाँ हो गई हो आप ही बस ना, स्टडीज में तक मसरूफ थी। अच्छा चलें फिर ठीक, स्टडीज में। अच्छा अच्छा चलें चलें जी, और क्या कहेंगी आपको तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ट्रांसमिशन कोई नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, मैंने बगैर आपके सुने आपको काम दिया। हाँ ट्रांसमिशन का थोड़ा सा इशू है, इंशाल्लाह वो जो है वो ठीक हो जाएगी एक दो दिन में। ठीक है, देखो आप मैंने इतने दिनों बाद आपको कॉल किया और आपकी आवाज़ सुनी है। अरे अरे मैंने भी तो आपकी इतने दिनों बाद आवाज़ सुनी है ना जी। हाँ ये तो है, अभी आपने वैसे मुझे पहचान लिया। हाँ सवेरा ही तो हो ना, अभी तो बताया तुमने खुद ही। वही कह रही ना आपने, मतलब भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं मैं नहीं भूली, तुम वही बर्तन तोड़ने वाली सवेरा हो ना। हाँ जी देखो मैं याद रखती हूँ सब। अभी आपने मुझे फेमस कर दिया। मैंने फेमस कर दिया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है ना। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम एहसान है, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं, कैसा गुजर रहा है साहब? अल्लाह का शुक्र मैं तो ठीक हूँ। आप मेरी भतीजी हुई है? भतीजी हुई है, चलें जी बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला उसकी नसीब बहुत अच्छे रखे। चलें जबरदस्त हो गया, पहले स्टडी में मसरूफ रही, फिर लॉकडाउन मतलब हो गया, स्टडी बंद हो गई, फिर उस टाइम भतीजी हुई है मसरूफ रही, फिर रमजान थे इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने आज ना ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, मुझे पता था आप एब्सेंट नहीं होंगे, इसलिए चलो मैं आप देखो यार आप लोगों को कितना भरोसा है ना मुझ पे कि अगर ट्रांसमिशन ना भी आया तो मैं छुट्टी नहीं करती। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे सवेरा? सबको जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, खैर मुबारक, और आपकी सबके लिए आपकी दुआएं, अल्लाह पाक सबको अपने अपने हिज्जामान में रखे और बीमारी से आप इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सवेरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बिल्कुल अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना बहुत सदा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको, सही है सवेरा? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी ट्रांसमिशन, सही है, परेशान नहीं होना, सही है, चलो खुश रहो सलामत रहो, अल्लाह हाफिज़। तमाम सुनने वालों को ना मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, सवेरा से इतने टाइम बाद बात हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग कहते हैं ना कि आप ही आप हमारा नाम मत भूलिएगा। आई जस्ट लव्ड इट, यू नो।
साथ साथ एहसन हमीद बहुत शुक्रिया एंड मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. काशिफ अली मलिक कहते हैं कि बस कर दें भाई. साथ साथ कहते हैं आज तो तीन कॉलर ने बहुत हंसाया है, अनवर जावेद भट्टी साहब, आबिद अमीर एंड रमज़ान मलिक भाई ने. बिल्कुल जी ऐसी है. अली रज़ा कहते हैं कि भट्टी साहब नाइस टॉकिंग, बहुत शुक्रिया. साथ साथ एहसन अमीद बहुत शुक्रिया. ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं अनवर जावेद भाई साहब को गिफ्ट दे दें आप ही मेरी तरफ से, अपने पास से कोई अच्छा सा जो इनके शान शायान शान हो, भाई साहब को गिफ्ट दे दें. अच्छा चलें जी, ज़रूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं सवेरा बेटा नहीं बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो, भतीजी हुई है उसकी, सही है. कहते हैं और रमज़ान में तो बर्तन नहीं तोड़ी हो. नहीं, अब रमज़ान में कहाँ बर्तन तोड़ेगी वो. और चलें जी अपने पेज पर ज़रा निगाह दौड़ा लेते हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, और देख लेते हैं ज़रा कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है. अगर टाइम मुझे मिला, वैसे टाइम है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो ज़रूर जो है वो एक कॉल को शामिल कर लूँ. ठीक है, तो चलें जी यहाँ देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है. आप लोग सर्च करें हैं सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एंड ओके. अच्छा जी, मुबीना अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक ZUFM की पूरी टीम एंड ऑल लिसनर्स को. वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया. चनेसर गोर से हमें सुनते हैं अमर रमेश कुमार, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. एंड साथ साथ एम अमीन खान कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया. इब्रार चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर से हमें सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मुजम्मिल वंदर बहुत शुक्रिया. जमाल खान खोसो बहुत शुक्रिया. मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया. फरहान अब्दुल जब्बार बहुत शुक्रिया, आपको भी जुम्मा मुबारक. काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया. और साथ साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया आपका. साथ साथ बिल्कुल जी, ये वाले कमेंट्स हम वहाँ पढ़ चुके हैं और ठीक हो गया. और ठीक है, चैलेंज ये भी शामिल कर लिए. और हमदुल्ला मलखेल बहुत शुक्रिया, आपको भी जुम्मा मुबारक. और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. अब्दुल करीम भट्टी कहते हैं वेलकम सिस्टर, थैंक यू सो मच. और साथ ही साथ हमदुल्ला मलखेल, मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया एंड वालेकुम अस्सलाम. ज़बरदस्त हो गया. चलें जी मैं काम ये करती हूँ. शशजाद कहते हैं कि सब मिलकर क्या है गुलेल से एक ही गेट को निशाना बनाते थे. ओके, कहते हैं अभी हम 10 से 12 लड़के और लड़कियाँ मिक्स होते थे. अच्छा, और एक ही गेट को निशाना बनाते थे, उसके बाद तुम्हारी शामत आई कभी, ये तो बताओ. साथ साथ अली रज़ा कहते हैं कि कब तक इफ्तारी पर लिसनर को इन्वाइट कर रही हैं आप. अच्छा. वो क्या कहते हैं, दीवाने का ख्वाब सुना है ना आपने, बस दीवाने का ख्वाब ही है, बस ये आप लोगों का ख्वाब ही है. कभी कभी कुछ ख्वाब है ना, कभी उनकी ताबीर नहीं मिलती, तो ये वही वाला ख्वाब है. देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, बात कर रहा हूँ जी. कैसे आप? ठीक है मेरे भाई. और कॉल ड्रॉप हो गई है. ये सही है भाई, दो लोग एक साथ बात कर रहे थे. चलें एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है लड़की, आ गई तुम? जी जी आ गई. ओ आज आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं आ रही है. ट्रांसमिशन नहीं आ रही जी. हाँ हाँ नहीं आ रही है, मुझे पता है ना. तो आप, हमें पता भी नहीं चलता है कि कॉल किस तरह से करें, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है. डायरेक्ट कर लिया करो कॉल. लड़की देखो मैं यहाँ पे मौजूद होती हूँ ना, बस तुम 10 बजे मिला लिया करो नंबर. मैंने अभी चेक किया तो लग गई कॉल अचानक. लग गई ना कॉल, देखो बस ऐसे होता है. पहले ना रेडियो पे सुन के फिर हमें पता चलता है कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो हमें पता भी चलता है, तो अगर हम कॉल मिला लेते हैं. लेकिन ऐसे में क्या पता किस नंबर बिजी है या क्या है. सही बात है, ऐसे ही है, नहीं पता चलता ना. जी अच्छा चलो एक काम करो, जैसे मैं लिंक देती हूँ ना शुरू की, जरा सुनाओ मुझे, मैं देखती हूँ तुम्हें कितना याद है. क्या सुनाओ? शुरू शुरू में जब मैं आती हूँ ना, जब मैं आती हूँ शो स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं कुछ लाइंस बोलती हूँ. चलो वो सुनाओ. तुम कहती हो ना तुम मुझे बड़ा जो है ना तुम याद की हुई है तुमने लाइंस मेरी. आप मैं मुझ में आप जब आती है रेडियो पे. हाँ, जब मैं एकदम शो स्टार्ट करती हूँ ना, जब शुरू में. हाँ वो वाली सर लाइन सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर आरजी सैयदा फरहाना अली.
वो कराची वालों, लाहौर वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है, क्या चल रहा है? जबरदस्त किसी दिन हम ये रखेंगे, सही है ना? लोग आगे जाने मेरी लाइंस मेरी तरह बोल के दिखाएं, रखते हैं किसी दिन इसको। मुझे ना आरजी बनने की बहुत शौक है, मैं आपको कॉपी करके फिर मैं आरजी बन के फिर रेडियो करूंगी। चलो मुझे कॉपी करके, हाँ मुझे कॉपी करके कोई फायदा तो हो तुम्हें, सही है, सीखो, सही है। लेकिन जब आओगी ना ऑडिशन देने तो फिर अपना बोलना, ठीक है? वरना लोग कहेंगे लो ये फरहाना को कॉपी कर रही है। जी जी, है ना? मैं जब रेडियो पे आऊंगी तो मैं कहूंगी मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सतीश रेडियो 98.2, आप हमें रेडियो पे सुन सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे सुन सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट हम पूरी करेंगे, आप सुन लीजिए रेडियो 98.2 पयामी। चलो ये जबरदस्त है ना, हाँ ये जबरदस्त है, मुझ में आईडिया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह से तुम जहीन हो। जी मैं मैंने पढ़ी भी है लेकिन अभी पढ़ने नहीं जाती हूँ। पढ़ा है अभी पढ़ने नहीं जाती हूँ? अच्छा हाँ, तुमने बताया था, आई गेस तुमने बताया था, वो अदीना ने बताया था। जी मैंने एडमिट करवाई 10th क्लास की। अच्छा एडमिशन ले लिया? जी। चलो जबरदस्त, पढ़ो दिल लगा के, सही है? अभी मैंने एडमिट करवाई, अभी करवाई है। अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और कुछ कहना चाहेंगी? टाइम जरा कम है हमारे पास, ठीक है? आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक ये है भाई कि आपने बचपन में कौन सी शरारतें की हैं? बचपन में? हाँ। आई नो, मैंने बहुत शरारतें की हैं। अच्छा कौन सी बताओ? मैं जब बचपन में पढ़ाई में जाती थी ना, हाँ। तो एक पार्क था, पार्क जो अंदर बेर का जो दशा था ना, हाँ। मैं चोरी चोरी करती थी बचपन में। हाँ, अच्छा चोरी करती थी बचपन में लड़की, कितनी गलत बात है। मैं बहुत चोरी करती थी, मुझे अब्बू रोज मारता था लेकिन मैं बहुत चोरी करती थी बचपन में। दरख्त में से क्या चुराती थी? फली चुराती होगी तुम, कौन से पत्ते चुराती होगी, और क्या चुराओगी तुम दरख्त में? बेर 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 थी। अच्छा बेर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो चुराती थी मैं। अच्छा बाजी भी तंग करती थी, बाजी को तंग करती थी पापड़ वगैरह में शोर करती थी। अच्छा और टीचरों को तंग करती थी। अच्छा मुझे ये दो मुझे वो दो मुझे ये दो मुझे वो दो, मैं ऐसी शरारती करती थी, बहुत शरारती करती थी। पता चलता है तुम्हारी आवाज से तुम बड़ी शरारती हो तुम। हाँ मैं बहुत शरारती हूँ बचपन से लेकर, मेरा मुंह नहीं रुकता है। मुंह नहीं रुकता है। चलो जबरदस्त हो गया सबीफा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। टाइम कम है, मैं आपसे मजे बात करती हूँ। I'm very very happy. I'm talking to you. How sweet. चलो बहुत शुक्रिया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चैलेंज जबरदस्त हो गया। टाइम हमारे पास है नहीं और कॉल्स आ रही हैं बैक टू बैक, सो कॉल्स अब शामिल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आप इधर मेरे कहते हैं वैसे फरहाना, अगर मैं क्या करूं, अर्ज करूं टॉपिक ईद के बाद, ईद और रमज़ान के हवाले से लाएं ना, जैसे कि गिफ्ट शॉपिंग शीर खुरमा नमाज ईद, बस कर दें, ये कोई टॉपिक है? हैं ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो सबको ही पता है। साथ साथ शहजाद कहते हैं कि कभी नहीं पकड़े गए। अरे वाह। अगर तुम पकड़े जाते ना बस फिर तो तुम फेल ही थे शरारतों में। शरारत असल हो जाओ, पकड़े ना जाएं। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं लास्ट में कौन सा कलाम सुनवाओगी? अच्छा जी मैंने कलाम जो है वो लास्ट में एक रखा था जो मोहसिन ने मुझसे कहा था प्ले करने के लिए। एहसन हमीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं उसी को प्ले करके जाती हूँ। जो अली की अम्मी ने फरमाइश की उसको हम मंडे को इंशाल्लाह प्ले कर देंगे। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया। इट इज़ नॉट सदीफा, इट्स सबीफा, इट्स बी नॉट डी। एहसन हमीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह पाक इस बच्ची को कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। कहते हैं सदीफा, सदीफा क्यों कहते हैं आप लोग? इट्स सबीफा कहते हैं, सबीफा इतनी बदमाशी। अच्छा जी साथ साथ चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे को, और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी है, आपके दिल पर गिरा गुजरी मेरी कोई भी बात,
तो मैं दिल से आप लोगों से माजरा चाहती हूँ। कभी भी मेरा मकसद नहीं होता कि मैं कभी किसी को जो है वो यू नो तकलीफ़ पहुँचाऊँ, किसी की दिल आज़ारी करूँ। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि शो के थ्रू हम जो है अच्छी बात करें, इंटरटेनमेंट हो और तमाम लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, तमाम लोग खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। जो अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें जो शो के मूड को ख़राब करने वाली होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है हम जो है वो नज़रअंदाज करते हैं और कोशिश करते हैं कि और भी कोई इस तरह की कोई नेगेटिव बात ना करे कि जिससे शो का मूड ख़राब हो और जो है वो शो में नेगेटिविटी आए। और क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो वैसे ही बहुत सारी हो रही हैं माशरे में, अगर हम शो में भी नेगेटिविटी लेकर आ जाएंगे, हर छोटी छोटी बात को नेगेटिव बना देंगे, तो फिर बचेगा क्या? मेरे ख्याल से फिर अच्छाई तो वैसे ही दुनिया में इतनी कम है। अगर छोटी छोटी सी अच्छाइयाँ, थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ अगर रह गई हैं, अगर उनको हम इन्जॉय कर लें, उनको हम बांट लें, तो वो मेरे ख्याल से वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। सो इसी बात के साथ मैं तमाम लोगों से माजरा चाहती हूँ अगर तो मेरी कोई बात बुरी लगी, नहीं बुरी लगी तो बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे मंडे को 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने पैरों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। एंड फरहाना इस वाले लिए साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह।